नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम बड़ा असर डालने वाला है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के जिस प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते समाजवादी पार्टी हरियाणा के दंगल से दूर रही, अब वक्त अखिलेश यादव के पास यूपी उपचुनाव में सीट शेयरिंग का है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब नई रणनीति पर काम कर रहे हैं और हरियाणा में जो नतीजे आ रहे हैं उससे यही कह सकते हैं खुश तो बहुत होंगे आज अखिलेश। अब सवाल है, आज खुश तो बहुत होंगे अखिलेश, क्योंकि परिणाम भले ही बीजेपी के पक्ष में हो, जश्न भले बीजेपी कार्यकर्ता मना रहे हो, लेकिन इस बाहरी जश्न के अलावा अंदरूनी जश्न उत्तर प्रदेश में मन रहा है, क्योंकि हरियाणा में राहुल गांधी घुटनों पर आज बैठे। जिस प्रेशर पॉलिटिक्स ने अखिलेश यादव को हरियाणा चुनाव से दूर रखा, चुनाव लड़ने तक पर असहज कराया, अब उसी प्रदेश में कांग्रेस की हार समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि यहीं से शुरुआत उस राजनीति की हो रही है। क्योंकि हरियाणा में अखिलेश ने कांग्रेस से पहले 11 सीटें मांगी थी, फिर कांग्रेस के सामने 9 सीटों की डिमांड रखी, फिर समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर हामी भरी, लेकिन कांग्रेस ने सपा को 3 सीट भी नहीं दी। ऐसे में अखिलेश यादव ये कहकर कुरुक्षेत्र के रण से दूर हो गए कि ये वक्त त्याग और बलिदान का है। अखिलेश यादव ने ये कहा था कि हम ये मानते हैं कि ये वक्त हमारे और इंडिया अलायंस में शामिल किसी भी दल के लिए राजनीतिक संभावनाएं तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान करने का है। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा के हित के लिए वो ये आने वाला वक्त बताएगा। अखिलेश यादव ने जिस तरह हरियाणा चुनाव को लेकर अपनी खामोशी बनाए रखी, उससे अब बड़ा कि यूपी में अब कांग्रेस पर एसपी का प्रेशर बरकरार रहेगा। कांग्रेस के 50-50 फॉर्मूले का द एंड हो चुका है। कांग्रेस अब 8 सीटों पर अखिलेश एसपी प्रत्याशी उतारेंगे। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 या 2 सीट संभव। दूसरे पर अड़िग रही तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा से अखिलेश की दूरी अब मजबूरी नहीं बल्कि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ दबदबे के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बड़ी खबर है कि शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर जा सकते हैं पीएम मोदी। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी दफ्तर जा सकते हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। बीजेपी दफ्तर में हरियाणा चुनाव को लेकर के जश्न का माहौल है। और खबर ये आ रही कि शाम 7 बजे प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को बीजेपी मुख्यालय में संबोधित कर सकते हैं। जैसा कि हर बार होता है, बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं शाम के वक्त में, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद होते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं और फिर वहां पर प्रधानमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो आज फिर वो तस्वीर देखने को मिल सकती है। जश्न हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मना रहे हैं। ऐतिहासिक विक्ट्री हरियाणा में बीजेपी ने इस बार हासिल की है। लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद 3री बार सत्ता में लौटती बीजेपी नजर आ रही है। तो हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगा रही है, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी हरियाणा को मिली ऐतिहासिक विजय की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। विकसित हरियाणा, विकसित भारत की संकल्पना को सिद्धि को समर्पित ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व और डबल इंजन की भाजपा सरकार की शक्ति पर हरियाणा की जनता जनार्दन के विश्वास की मुहर है।
नेशन फर्स्ट भाव से ओतप्रोत बीजेपी को पुनः सेवा का सौभाग्य प्रदान करने के लिए सभी हरियाणा वासियों का हार्दिक अभिनंदन। तो इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के लोगों का आभार जताया, साथ ही कार्यकर्ताओं को बधाई दी है, उनकी मेहनत का नतीजा इसे करार दिया है। हरियाणा चुनाव के नतीजों के साथ जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो है स्टार प्रचारक। पार्टियों के स्टार प्रचारकों की रैलियों, सभाओं और रोड शो का कितना फायदा हुआ, जिन सीटों या क्षेत्रों में फायर ब्रांड नेताओं ने रैलियां की, रोड शो किए, वहां उनकी पार्टी कितनी सीटें जीती, प्रदर्शन सुधरा या सीटें घट गई हैं, देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। चुनावों की घोषणा से पहले ही बीजेपी चुनावी मूड में आ गई थी। आचार संहिता से पहले बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली कर प्रचार का शंखनाद किया था। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने 4 रैलियां की थी। पीएम मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले में पहली जनसभा की थी। इसके बाद 25 सितंबर को सोनीपत जिले में रैली को संबोधित किया। अगले दिन यानी 26 सितंबर को पीएम ने हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। एक दिन बाद यानी 28 सितंबर को हिसार में चुनावी रैली की। वहीं 1 अक्टूबर को पीएम मोदी ने पलवल जिले में अंतिम चुनावी सभा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान ही हरियाणा में प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद भी किया। जिन 4 जगहों पर पीएम मोदी ने रैलियां की वहां से करीब 40 सीटें कवर हुई थी। इनमें ज्यादातर सीटों पर कमल खिला है। बात बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो उन्होंने हरियाणा के रण में ताबड़तोड़ रैलियां की थी। हिंदुत्व के प्रखर एजेंडे, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और यूपी के विकास की दिशा में बढ़ते कदम को लेकर सीएम योगी ने हरियाणा में प्रचार किया था। उसका शानदार असर देखने को मिला है। सीएम योगी ने हरियाणा चुनाव में 12 रैलियां की थी, जिनमें भिवानी, पंचकुला, हंसी, जींद, सोनीपत समेत 21 सीटें कवर हुई थी। इनमें से ज्यादातर सीटों पर कमल का फूल खिला है। हरियाणा चुनाव के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर बड़े स्टार प्रचारक बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा चुनाव में जहां जहां उन्होंने प्रचार किया उनमें से ज्यादातर सीटों पर कमल खिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के पिंजौर, पंचकुला, रेवाड़ी, गुरुग्राम समेत 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। इनमें से रोहतक विधानसभा सीट को छोड़ दिया जाए तो सभी 12 सीटों पर कमल खिलता दिखा है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के प्रचार का असर तो देखने को मिला है, साथ ही साथ हरियाणा के नेताओं के प्रचार का भी जबरदस्त असर दिखा है। न केवल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग अलग हलकों में जाकर प्रचार को धार दी थी, बल्कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कानून मंत्री मेघवाल ने भी जी तोड़ मेहनत की। गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपडेट लेते रहे और उसी का नतीजा है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अपने खुले मिजाज के लिए मशहूर हरियाणा की जनता ने इतिहास रच दिया है। किसी भी दल को तीसरा मौका न देने वाले हरियाणा ने बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता की चाबी सौंप दी है। एग्जिट पोल और शुरुआती रुझानों में आगे रही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी फुल मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।